गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन। ये बड़ा रोचक विषय है और टाउन प्लानिंग से लेके ज्योग्राफी वाले टाउन प्लानिंग का जो रोजगार है टाउन प्लानर के रूप में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम नगर नियोजन की बात करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। नगर नियोजन को यद्यपि भिन्न भिन्न शब्दों में या ढंगों से परिभाषित किया गया है, लेकिन सभी प्रकार की परिभाषाओं में अर्थ की काफ़ी साम्यता मिलती है। किसी नगर के जीवन को यथासंभव सुखी, स्वस्थ, सुंदर एवं सुविधा संपन्न बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों, कार्यों तथा वास्तविक कार्यक्रमों को नगर नियोजन के अर्थ में शामिल करते हैं। नगर नियोजन एक व्यावहारिक विषय है जिसके अंतर्गत मौजूद नगर के भिन्न भिन्न घटकों के विकास, सुधार या पुनर्निर्माण तथा एकदम नए नगरीय क्षेत्रों के निर्माण या विकास की योजनाएं नगर को यथासंभव समस्या रहित या आदर्श बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती हैं। नगर नियोजन का उद्देश्य न केवल वर्तमान नगरीय जीवन को आदर्श के अधिक से अधिक निकट पहुंचाने का प्रयास करना है, अपितु नगर की भावी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भविष्य के नगरीय जीवन को भी कठिनाइयों से मुक्त रखने की तैयारी करना है। अतः नगर नियोजन में किसी दिए हुए नगर तथा उसके उपांत प्रदेश की संरचनात्मक विशेषताओं का नियोजन शामिल किया जाता है। यद्यपि इसको परिभाषित करने में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग पहलुओं पर अधिक जोर अवश्य दिया है। नगर नियोजन के प्रकार और तत्व। नगर नियोजन की नीतियों एवं आवश्यकताओं के प्रथम बीज प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के नगरों में देखे जाते हैं, जहां नगरों के जीवन एवं भविष्य का दिशा निर्धारण करना धार्मिक नेतृत्व या राजाओं के हाथ में था। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगर मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नियमित रेखा गणितीय या चेस बोर्ड योजना पर बसे हुए बताए जाते हैं, और इन नगरों में अन्नागरों मतलब अन्न के भंडार, कार्य दुकानों, वर्कशॉप्स तथा गृहों इत्यादि का विन्यास काफी एकरूप ढंग का बताया गया है। जबकि मेसोपोटामिया के नगरों एवं मकानों के प्रतिरूपों को अपेक्षाकृत काफी अनियमित बताया गया है। राजतंत्र परंपरा के शासन के प्रभावों के घटने तथा निजी भूस्वामित्व के उत्तरोत्तर बढ़ने के साथ साथ नगरीय नियोजन की नीतियों में भी परिवर्तन होते रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से विश्व के बहुत से देशों में, विशेषतः पश्चिमी जगत में, निजी स्वामित्व की भूमि पर भी सामान्य सार्वजनिक नियंत्रण एवं दिशा निर्देश की आवश्यकता का अनुभव किया गया है। नगर नियोजन को उसके उद्देश्यों की प्रधानता के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला निरोधक या प्रिवेंटिव नियोजन तथा दूसरा है उपचार परक या रेमेडियल नियोजन, जिसमें क्रमशः आ सकने वाली भावी समस्याओं को रोकने या दूर करने के पूर्व उपायों तथा आई हुई समस्याओं के निवारण के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बदलते हुए बल तथा अर्थों तथा स्वरूपों के आधार पर नगर नियोजन को पुनः इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। संचालनात्मक या ऑपरेशनल ऑनगोइंग नियोजन, जिसमें वर्तमान नगर के बेहतर कार्य संचालन तथा अधिक प्रभावशाली और अच्छे नगरीय जीवन के निर्माण के प्रयास किए जाते हैं। इस ढंग से कि उसके भिन्न भिन्न मौजूद घटक अंग सर्वोत्तम संभव ढंग से कार्य कर सके। दूसरा पुनर्निर्माणात्मक रिकंस्ट्रक्शनल और रिस्टोरेटिव नियोजन, जिसका उद्देश्य गिरे हुए परित्यक्त, गंदे और प्राचीनतम तथा समस्याग्रस्त नगरीय क्षेत्रों का पुनर्विकास करना तथा ऐसे क्षेत्रों में उन सुविधाओं को प्रदान करना जो किन्हीं कारणों या परिस्थितियों में इनसे वंचित हो गए हैं, परंतु स्वस्थ नगरीय जीवन के लिए आवश्यक है। तथा तीसरा नए नगरों या नगरीय क्षेत्रों का नियोजन।
प्रथम प्रकार के नियोजन से पहले से ही मौजूद नगरीय भागों, अंगों या इकाइयों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। दूसरे प्रकार के नियोजन से अत्यंत बुरी दशा के क्षेत्रों में, जिन पर अविलंब ध्यान दिया जाना चाहिए, आवश्यक सुधार या नगरीय पुनर्निर्माण या पुनर्नवीनीकरण के कार्य किए जाते हैं, जबकि तीसरे प्रकार के नियोजन में एकदम नई नगरीय बस्तियों या क्षेत्रों की योजना अनगरीय रिक्त या अविकसित क्षेत्रों के विकास के द्वारा बनाई जाती हैं। एक अन्य वर्गीकरण में दो प्रकार के नियोजन, प्रोएक्टिव रचनात्मक तथा रिएक्टिव नियंत्रण परक नगरों के बारे में बताए गए हैं, जिनका संबंध क्रमशः निर्माणों या रचनाओं तथा नियंत्रणों से है। रचनात्मक नगर नियोजन को पुनः तीन रूपों में देखा गया, क्रांतिपरक, आदर्श तथा वस्तुपरक। उद्देश्यों की संख्या के आधार पर नगरीय नियोजन एक उद्देश्य योजना के रूप में तथा बहुउद्देश्य योजना के रूप में भी हो सकता है। बहुउद्देश्य नगरीय योजना को व्यापक नगरीय योजना के रूप में भी देखा गया है, जिसकी परिभाषा एन ऑफिशियल पब्लिक डॉक्यूमेंट adopted by a local government as a policy guide to decisions about the physical development of the community के रूप में की गई है। मतलब इसकी जो परिभाषा दी गई है वो ये माना गया है कि ये एक आधिकारिक रूप से एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो लोकल स्थानीय जो सरकार होती है वो एक पॉलिसी बनाती है, जैसे मास्टर प्लान, और उसको उसी के आधार पर उसमें जो समुदायों का विकास करती है वो एक बहुउद्देशीय नगरीय योजना होती है। ये व्यापक योजनाएं विस्तृत योजनाओं के रूप में होती हैं, और इन्हें व्यापक योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि न केवल नगर के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तथा सभी कार्यात्मक तत्वों और पहलुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, अपितु ये योजनाएं आने वाले 2-3 या अधिक दशकों में संभावित नगरीय विकास को ध्यान में रखकर भी बनाई जाती हैं। अतः यह योजनाएं लंबी अवधि की योजनाएं होती हैं। इन दीर्घावधि योजनाओं के विपरीत नगरों के लिए अल्पावधि योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं, जो नगरों के किसी एक या अनेक पहलुओं के बारे में हो सकती हैं। वास्तविक नियोजन में तीन प्रकार की नियोजन क्रियाएं मुख्यतः होती हैं, स्थिति परक, विन्यास परक तथा भूमि उपयोग नियोजन। ये तीनों हैं लोकेशनल लेआउट और लैंड यूज प्लानिंग। जैसे जयपुर का जो नगर बसाया गया था तो उसकी स्थिति देखी गई थी कि किस तरह रेत के टीलों के और पहाड़ी है उसमें, फिर उसका लेआउट तैयार किया जाता है, विन्यास उसका जो तैयार होता है उसके आधार पर बसावट की जाती है, और भूमि उपयोग उसका निर्धारित किया जाता है कि यहाँ पर आपकी बाजार क्षेत्र होगा, यहाँ पर आपका रिहायशी क्षेत्र होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं। भारत में नगरीय पुनर्निर्माण के उद्देश्य से सुधार ट्रस्टों की स्थापना भी कुछ नगरों के लिए की गई है। कुछ भारतीय नगरों के नियोजित विकास एवं पुनर्निर्माण के उद्देश्यों से उनकी मास्टर योजनाएं भी बनाई गई हैं। ये मास्टर योजनाएं दीर्घकालिक लंबी अवधि की व्यापक योजनाएं हैं जो प्रश्नाधीन नगरों के वर्तमान और पूर्ण भावी विकास को दृष्टि में रखकर उनके नियंत्रण के लिए बनाई गई हैं। नगरों का सर्वांगीण या बहुमुखी विकास इनका ध्येय होता है। इन योजनाओं के मानचित्र तथा विस्तृत रूपरेखाएं प्राय काफी विस्तार से प्रकाशित की जाती हैं तथा ये प्राय सरकारी, आधिकारिक या सार्वजनिक प्रयासों से बनती हैं। इनका संबंध नगर के प्रत्येक पहलू से होता है। नगरीय नियोजन के भिन्न भिन्न घटक तत्वों के आधार पर इसे निम्नांकित भागों में प्रमुखतः विभाजित किया जा सकता है, जो एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं है। जनसंख्या नियोजन, वर्तमान जनसंख्या तथा प्रक्षेपित भावी जनसंख्या एवं उसके स्थानात्मक प्रतिरूपों के ज्ञान के आधार पर ही नगर नियोजन सफल हो सकता है, क्योंकि नगरीय नियोजन का सारा कार्य नगरीय जनसंख्या के बेहतर जीवन के उद्देश्य से ही होता है। अतः जनसंख्या का अध्ययन, प्रक्षेप और नियोजन नगर नियोजन का आवश्यक अंग या भाग है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में उस शहर की जनसंख्या
जो प्रक्षेपित करके बनाई जाती है वो उसका अनुमान लग जाता है कि अभी जैसे 5 लाख की जनसंख्या है, तो आने वाले 10 साल में ये बढ़कर 8 हो जाएगी कि 9 हो जाएगी, वो ज्ञात हो जाता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि इतने व्यक्ति और बढ़ेंगे तो गाड़ियों की संख्या, सड़कों की चौड़ी होनी चाहिए, सड़कों पे यातायात की भीड़ हो जाएगी, आपको पानी कितना चाहिए शहर उनके लिए, प्रति व्यक्ति जो पीने का पानी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो उन सब चीजों को लेकर जनसंख्या का अगर नियोजन कर पाएंगे तो हम नगर नियोजन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आवासीय अथवा गृह विकास नियोजन, इस प्रकार के अध्ययनों या नियोजनों का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या नियोजन से है। भिन्न भिन्न स्तर, प्रकार या मूल्यों के गृहों या आवासीय बस्तियों का नियोजन इसमें शामिल है। आप देखते हैं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान आवासन मंडल अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग स्तर के मकान निकालते हैं, लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप के, ताकि सभी जो तबके के व्यक्ति हैं उनको रहने के लिए अपनी जो आमदनी है उसके अनुसार वो अपने लिए एक आवास का खरीद सके। यातायात नियोजन, पूर्व वर्णित यातायात समस्याओं के निराकरण सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास, प्रबंध या नियोजन इसके अंतर्गत शामिल है। आप यातायात का नियोजन करेंगे, आपको पता है जनसंख्या इतनी बढ़ने वाली है, उस जनसंख्या के लिए हमारे को सड़कों के ऊपर इतनी भीड़ मिलेगी, ऑफिस जाने वाले लोगों को समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे मेट्रो परियोजना, आपकी जो सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए मेट्रो की योजना शुरू हुई, उसके बाद इन मेट्रो योजनाओं का विस्तार होने लगा, ये सब चीजें यातायात नियोजन का ही एक अंग है जो कि नगर नियोजन का एक हिस्सा है। भूमि उपयोग नियोजन, क्योंकि नगर के सभी निवासी क्रियाएं या इकाइयां स्थान ग्रहण करती हैं, अतः वर्तमान भूमि उपयोग का विस्तृत विवरण एवं वर्गीकरण तथा भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए स्थान की भावी आवश्यकताएं किसी भी नगर नियोजन में अध्ययन एवं विश्लेषण के अनिवार्य विषय होते हैं। नगर नियोजन वस्तुतः एक अर्थ में भूमि उपयोग नियोजन ही है। भूमि उपयोग नियोजन इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हमारा शहर की जनसंख्या इतनी बढ़ने वाली है, तो शहर का विस्तार होएगा, शहर का विस्तार होएगा तो मार्केट एरिया हमारे को कहाँ चाहिए, रिहायशी एरिया हमारे को कहाँ पर चाहिए, आपके स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो खोलनी है उसके लिए भूमि हमारे को कहाँ उपलब्ध होगी, आपका जो सीवरेज है सीवरेज के लिए भूमि कहाँ पर उपलब्ध होगी, ये सब चीजें भूमि उपयोग नियोजन के अंदर आती हैं। आर्थिक या कार्यात्मक नियोजन, नगर के आर्थिक आधार, कार्यात्मक संरचना तथा इसके भिन्न भिन्न घटक अंगों में लगी हुई या लगने वाली श्रम शक्ति इत्यादि का विस्तृत विश्लेषण तथा भावी स्वरूपों प्रतिरूपों का निर्धारण इसके अंतर्गत होता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया भूमि उपयोग में, उसी तरीके से ये आर्थिक आधार, आपके जो उद्योग लगेंगे उन उद्योगों में जो श्रम आएगा वो श्रम किस तरफ रहेगा, उनके रहने की व्यवस्था, वरना आप उनकी प्लानिंग करके ही नहीं चलेंगे तो आपके जैसे धारवी मुंबई के अंदर सबसे बड़ा स्लम एरिया बना हुआ है, उस तरीके से एक मलिन बस्ती के रूप में शहर के अंदर ही हो जाएंगे जिससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी। नगरीय सुविधाओं, सेवाओं एवं आपूर्तियों का नियोजन, इसके अंतर्गत पूर्व वर्णित समस्याओं के समाधान हेतु अध्ययन एवं नियोजन किए जाते हैं। मनोरंजन तथा खुले स्थानों की सुविधाएं तथा सरकारी एवं भिन्न भिन्न प्रकार की सामुदायिक सुविधाएं इत्यादि सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो जब आप नगर का नियोजन की बात करते हैं तो नगर नियोजन में इन सेवाओं का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम मनोरंजन के साधन के लिए जगह कहाँ छोड़े, कि आपका सिनेमा घर वहाँ बन सके, या आपका स्टेडियम वहाँ पर बन सके, या खेल के मैदान वहाँ बन सके, या आपूर्तियों की जो चीजें बात कर रहे हैं हम कि स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बन सके, आपका सामुदायिक केंद्र, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में शादी ब्याहों के लिए आपको खुले स्थान की आवश्यकता पड़ती है तो सामुदायिक केंद्र बहुत काम आते हैं, तो नगरीय सुविधाएं हम किस तरीके से जुटा सके, ये सब चीजों का भी हमें नगर नियोजन के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। विश्व के भिन्न भिन्न नगरों या देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के नियोजनों पर बल दिया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों में नगरीय सीमांत प्रदेशों तथा नवीन नगरों के विकास के प्रयास अधिक किए गए, जबकि संयुक्त राज्य के नगर नियोजनकर्ताओं का ध्यान केंद्रीय शहर के पुनर्निर्माण एवं सुधार पर ही अधिक केंद्रित रहा है। पुनः संयुक्त राज्य की नगरीय नियोजन नीतियां
राष्ट्रीय स्तरों की अपेक्षा स्थानीय स्तरों पर ये अधिक विकसित एवं कार्यान्वित की गई। भिन्न भिन्न नगरों या नगरीय क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्तरों पर गृह निर्माण, यातायात संचार, सेवाओं एवं सुविधाओं, भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण तथा कर निर्धारण इत्यादि से संबंधित नीतियों का विकास हुआ। अतः एक तरफ जहां संयुक्त राज्य का नगर नियोजन नगरीय पुनर्नवीनीकरण में यूरोप से आगे रहा है, तो क्योंकि यहाँ का नियोजन अधिकांशतः संचालनात्मक तथा पुनर्निर्माणात्मक किस्म का रहा है, वहीं दूसरी ओर यूरोप नवीन नगरों के नियोजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है। नए नगरीय स्थानों के नियोजन पर सोवियत संघ तथा इजराइल में भी अधिक व्यापक रूप से वितरित रहे हैं। इसी प्रकार यद्यपि उपचार परक नियोजन ही अभी तक अधिक होता आया है, विशेषतः संयुक्त राज्य में, लेकिन निदान परक प्रिवेंटिव नियोजन पर हाल के वर्षों में अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। मैंने जैसे बात किया नगर नियोजन आप कर रहे हैं, तो नगर नियोजन में अगर निदान परक आपका अप्रोच रहती है तो आने वाले समय में बहुत सी समस्याएं जो नगरों में होती हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं और हम जो वहाँ पर नगरीय जीवन है वो काफी स्मूथली चल सकता है। तो आज हम बात कर रहे थे नगर नियोजन की, नगर नियोजन के कौन कौन से तत्व होते हैं, नगर नियोजन किस तरीके से किया जाता है और नगर नियोजन के क्या फायदे हैं, ये हमने आज पहले भाग में पढ़ा। नगर नियोजन से ही संबंधित हम और जानकारियाँ अपने अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।